एवरीवन, इट्स मी एनी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो में मैं अपना फेशियल हेयर शेव करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू सी कि मैं कैसे अपना फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फेस शेविंग टू काइंड्स ऑफ हेयर को रिमूव करता है, फ्रॉम योर फेस और फ्रॉम योर बॉडी। यू कैन से वन इज वेलस हेयर एंड अदर वन इज टर्मिनल हेयर। वेलस हेयर वो हेयर होता है जो विच इज़ वेरी फाइन हेयर, जो आप कभी सनलाइट में आओ तो एकदम छोटे छोटे आपको दिखते हैं, एकदम फेस पे छोटे छोटे, तो उसे वेलस हेयर बोलते हैं। एंड द टर्मिनल हेयर इज योर आईब्रोज, और फॉर मेन में जिसके बियर्ड आते हैं, मुस्टैक, बियर्ड इधर आते हैं, मुस्टैक जिसके आते हैं, प्यूबिक एरियाज में, अंडर आर्म्स में जो हेयर आते हैं, उसे टर्मिनल हेयर बोलते हैं। सो फेशियल शेविंग फेशियल शेविंग ऑल्सो गिव्स यू अ माइल्ड एक्सफोलिएशन। आपके फेस में अगर डेड स्किन एंड वो सब है, तो जब आप शेव करते हो तो डेड स्किन भी वो क्लियर हो जाता है। सो इट्स अ गुड वन कि आपको स्क्रबिंग करने का ज़रूरत नहीं है, वाइल डूइंग शेविंग आपका एक्सफोलिएशन भी हो जा रहा है। सो देयर आर अदर वेज जिससे आप अपना फेस का हेयर रिमूव कर सकते हो, दैट इज वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दीज टू आर मोस्ट कॉमन। एंड शेविंग तो वो अभी अभी कॉमन हुआ है, जब लोग को इसके बारे में पता चला है। एंड द अदर वन इज लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। अगर उस आपको कभी नहीं चाहिए एंड यू हैव अ गुड अमाउंट, आप इन्वेस्ट कर सकते हो खुद पे, तो आप लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हो। सो मैं आपको पहले ये चारों का डिफरेंस, काइंड ऑफ तीनों का डिफरेंस बताने वाली हूँ। लेजर का तो आपको पता ही है कि वो परमानेंटली हेयर रिमूव करेगा, बट दीज आर द थ्री। एंड द अदर वन इज ब्लीचिंग। वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, उसकी प्रोसेस दोनों के सेम ही है। मैं वैक्सिंग थ्रेडिंग को काइंड ऑफ एक साइड रखूंगी एंड शेविंग एंड ब्लीचिंग को मैं अदर पार्ट रखूंगी। लेजर का तो आपको पता ही है, सो मैं ये चारों को डिफ्रेंशिएट करूंगी, सॉरी तीनों को डिफ्रेंशिएट करूंगी। सो लेट्स बिगिन। सो जो वैक्सिंग क्या करता है, वैक्सिंग पुल्स आउट द हेयर फ्रॉम द रूट। वैक्सिंग और थ्रेडिंग आपका जो हेयर है वो पूरे रूट से निकालता है, वेयर एज आपका जो शेविंग है वो बस आपके हेयर को सरफेस से कट कर रहा है, वो आपके रूट से आपके हेयर को नहीं निकाल रहा है। एंड ब्लीचिंग क्या करता है, आपका जो प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन है प्रोसेस को स्लो कर देता है। सो दैट इज मेलेनिन विच प्रोड्यूस द कलर। सो आपके फेस का जो कलर जो आपका वो ब्लैक हो रहा है, मतलब हेयर जिसके ब्लैक रहते हैं, सो जब आप ब्लीच करते हैं तो उससे उसका प्रोडक्शन। नंबर टू, वैक्सिंग जो जब आप करते हो अपने फेस में तो आपका फेस का ग्रोथ वो थोड़ा स्लो कर देता है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली 3 to 4 weeks में कर रहे हो। वेयर एज शेविंग, जब आप फेस शेव कर रहे हो तो आप सिर्फ सरफेस से कट कर रहे हो हेयर को, वो कोई पुल आउट नहीं हो रहा है, हेयर जैसा है वैसे ही है, सो उसमें कोई डिफरेंस या चेंजेस नहीं आने वाला है। बट अगर आप हमेशा शेव कर रहे हो तो आपका फेस धीरे धीरे वो पोर्शन में आपका हेयर एकदम फाइन हो जाएगा। बहुत कोई को ये मिथ रहता है कि फेस जब आप शेव करते हो तो आपका हेयर थिक हो जाता है एंड शायद वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ये सब रीज़न रहता है। बट अगर आप लॉजिकली सोचो, जो मैं अगर बता रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज माई हेयर, नीचे के पोर्शन आप देख रहे हो इट्स थिक एंड ऊपर के पोर्शन जहाँ पॉइंटेड एरिया वो थिन है, दिस इज माई हेयर एंड सारे हेयर ऐसे ही ग्रो होते हैं। सो अगर आपका हेयर का, दैट मीन्स ये मेरा स्किन है ये पोर्शन, मैं अगर मैं यहाँ पे अपना हेयर कट कर रही हूँ, सो आप देख रहे हो ये बहुत ब्लंटली ये कट हो रहा है, कोई मतलब लाइक प्रॉपर या तो ये पुल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बस ब्लंटली कट हो रहा है। तो ये जब ब्लंटली कट हो रहा है, जब ये ग्रो होता है तो ये विजिबल ज़्यादा थिकर रहता है, क्योंकि अगर ये बीच से कटा हुआ है आपको जब वो बड़ा हो रहा है वो थिक दिख रहा है, तो वो जैसे जैसे जब बड़ा होते जाता है तो ऑटोमेटिकली वो हेयर थिन हो जाता है एंड वो उतना ही बड़ा होता है जितना आपका हेयर ग्रोथ है, वो उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। दूसरा रीज़न, यहाँ से वो ब्लंटली कट है तो अगर वो ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका एज जो है वो शार्प है, जिससे आपको फील होता है कि मेरा वो हेयर कितना शार्प हो गया या मैं उसे फील कर पा रही हूँ, सो ये रीज़न रहता है वो। एंड दूसरा रीज़न रहता है कि आप सोचते हैं मेरा हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया है जब से मैंने शेव किया है, जब वो रूट से पुल आउट ही नहीं हुआ है तो जस्ट वो सरफेस पे कटा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो हेयर जल्दी ग्रो करेगा। अगर वो रूट से, अगर आप उसको वैक्स कर रहे हो, थ्रेड कर रहे हो, तो वो रूट से निकल रहा है, तो रूट में हेयर को प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है, इसलिए आपको लगता है कि आपका फेशियल हेयर
कम मतलब लाइक लेट से आ रहा है या फिर जल्दी विजिबल नहीं हो रहा है, वेयर एज इन शेविंग में जल्दी विजिबल हो जा रहा है. तो दिस इज द रीजन, वो सर्फेक्स से कट है इसलिए वो जल्दी ग्रो हो जा रहा है. एंड जहाँ आप रूट से निकालोगे तो उसका प्रोसेस ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा वो ग्रो होने में. एंड इसमें ब्लीचिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि आप हेयर को कुछ ना ही कट कर रहे हो ना ही पुल कर रहे हो, वो वहीं पे है, जस्ट उसके ऊपर एक कोटिंग. नंबर थ्री, वैक्सीन समटाइम्स कॉजेज यू इन ग्रोथ हेयर्स. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा जो बहुत रेगुलर वैक्सीन कराते हैं फेस पे, नहीं अगर आप एड में भी कराते हो तो कभी कभी क्या होता है आपके बाल इन ग्रो हो जाते हैं, वो आपको स्किन में दिखता है कि वो बाल अंदर ही आपके स्किन में, वो ऊपर नहीं आ रहे. फिर आपको मतलब आपके बॉडी को स्क्रब करना पड़ता है ताकि वो हेयर आपको ऊपर मिले. तो सेम गोज विद द फेस, कभी कभी वैक्सीन में ये होता है इनग्रोन हेयर्स आ जाते हैं. एंड इनग्रोन हेयर का ये होता है प्रॉब्लम कि फेस में जब वो आते हैं तो वो पिंपल्स लाते हैं. एंड वेयर एज इन शेविंग देर इज नो इनग्रोन हेयर, आपका नॉर्मली फेस से ही आपका हेयर कट हो जा रहा है तो उसमें इनग्रोन का तो कोई सीन ही नहीं है, बिकॉज उसका रूट ऑब्वियसली वो है एंड नीचे के हेयर भी है तो इनग्रोन होने का तो कोई सवाल ही नहीं. सो वैक्सीन का कभी कभी जब इनग्रोथ हो जाता है या फिर कभी कभी किसी किसी को बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है थ्रू वैक्सीन और थ्रेडिंग, दोनों में हेयर पुल हो रहे हैं, तो होता है कि कभी कभी जब आप यहाँ पे थ्रेडिंग कराते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं, पिम्पल्स आ जाते हैं यहाँ जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ कराते हैं, या फिर यहाँ तो आपको छोटे छोटे पिम्पल्स दिखते हैं, तो वो वैक्सीन एंड थ्रेडिंग में होता है. वेयर एज इन शेविंग देर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका फेस में कोई पिम्पल्स आए एंड ऑल, कुछ ऐसा बहुत कम चांसेस रहता है बिकॉज वो कुछ अंदर से नहीं कर रहा है, वो सब सर्फेस में कर रहा है. बट हाँ, अगर आपका फेस में एक्टिव पिम्पल्स है तो आई से कि आप अवॉइड करें सारे चीज, इवन आप ब्लीचिंग भी ना करें उस वक्त, ना ही वैक्सीन करें, ना ही थ्रेडिंग करें, ना ही आप शेविंग करें अगर आपका एक्टिव पिंपल्स है. अगर आपका एक्टिव पिंपल्स नहीं है, वो चले गया है एंड जस्ट थोड़ा सा उसका वूंड है या कट या मार्क जो भी है, अगर सिर्फ वही है तो फिर आप अपना कर सकते हो. बट आई से कि थोड़ा सा टाइम लीजिए, गैप लीजिए, उसके बाद अपना फेस का फेशियल हेयर रिमूव कर सकते. ब्लीचिंग में कभी कभी ये होता है कि बहुत उनको इरिटेशन होता है, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन अगर किसी का है तो ब्लीचिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू. एंड ब्लीचिंग अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यू यूज़ इट बिहाइंड योर ईयर्स एंड कीप इट लाइक आपका वो 10 मिनट्स के लिए यू कैन कीप इट एंड 24 आवर्स तक रुके कि अगर आपको कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, बिकॉज इट्स अबाउट योर फेस. एंड ब्लीचिंग का सबसे मतलब अगर आप बोल सकते हो मेरिट में यही है कि इट ब्रिंग्स ग्लो इन योर फेस, उसमें जो भी केमिकल होता है वो आपका फेस में ग्लो लाता है. एंड बाकी वैक्सीन एंड थ्रेडिंग, वैक्सीन थ्रेडिंग एंड शेविंग ऐसा कुछ ग्लो नहीं डालता है आपके फेस में. लेकिन ब्लीचिंग से ये होता है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी के फेशियल हेयर ज़्यादा विजिबल है, अगर आप ब्लीच कर रहे हो एंड आप बाहर निकलोगे तो आपका हेयर जो है वो क्लियरली विजिबल दिखेगा इन अ शेड ऑफ ब्राउन और गोल्डन. वो दिखेगा कि आपका फेस ब्लीच्ड है, जो बहुत फेयर कम्प्लेक्शन है उनको उनके फेस में नहीं दिखता है. अगर कोई इंसान है जो थोड़ा डार्कर शेड में, डार्क टोन में, तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप ब्लीचिंग ना करें, क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे वो क्लियरली आप भालू जैसे थोड़ा दिखने वाले हो. सो वो आप ना करें, आप इधर शेविंग करें, वैक्सिंग करें, थ्रेडिंग करें अगर आपको जो भी अच्छा लगता है, पर ब्लीचिंग मत. एंड वैक्सिंग में आपका हेयर विजिबल नहीं होगा, ना ही थ्रेडिंग में, ना ही शेविंग में, पर ब्लीचिंग में आपका हेयर विजिबल रहेगा. अगर आप सामने से किसी इंसान को देख रहे हो जिन्होंने ब्लीच किया है, उनका फेशियल हेयर है, तो आप क्लियरली सामने से उनका हेयर देख सकते हो. बस यही रहेगा कि जो हेयर का कलर है वो इधर गोल्डन रहेगा और ब्राउन रहेगा. वैक्सिंग का जो सबसे बड़ा डीमेरिट है कि जब आप वैक्स करते हो तो यूजुअली आपका हेयर पुल किया जाता है. इससे क्या होता है, आपका जो फेस का जो टाइटनिंग इफेक्ट है वो धीरे धीरे लूज होने लगता है. सो जब आप आपका एज होने लगता है, आप अपने बुढ़ापे के ओर जब बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है आपका जो स्किन है वो ऑलरेडी वो लूज हो चुका है, वो उतना टाइट नहीं है, तो आपके फेस में आपका एजिंग इफेक्ट वो ज़्यादा दिखने लगेगा. तो इसलिए वैक्सिंग को बोला जाता है कि जितना हो सके अवॉइड किया जाए कि आपका स्किन ज़्यादा लूज ना हो, वो अपना टाइटनिंग इफेक्ट ज़्यादा छोड़े ना. सो वेर एज अगर आप शेविंग कर रहे हो तो उससे आपका फेस में ना ही कुछ पुल हो रहा है, ना ही कुछ स्ट्रेच हो रहा है, तो आपका फेस एज इट इज़ है, ओनली द हेयर इज गेटिंग रिमूव. अब
वैक्सीन आप 2 से 3 वीक में कभी एक बार करा सकते हैं, शेविंग आप ट्वाइस इन अ मंथ और जब भी आपका हेयर विजिबल है तब आप कराएं, एंड ब्लीचिंग आप वंस इन अ मंथ। सो दीज आर द डिफरेंस, होप आपको डिफरेंस से क्लियर हो गया हो कि आपके लिए क्या अच्छा है नहीं है। सो आई पर्सनली लाइक डूइंग शेविंग टू रिमूव माई फेशियल हेयर, क्योंकि वो बहुत ईजी भी है एंड आप कभी भी कर सकते हो, वेर एज वैक्सीन एंड थ्रेडिंग के लिए आपको सलोन जाना पड़ता है। आप खुद से भी करने से कभी कभी होता है, अगर थोड़ा सा डायरेक्शन इधर उधर हो गया है सो यू माइट गेट पिम्पल्स और बम्स। एंड इवन सबसे बड़ी बात जो मुझे वैक्सीन की नहीं पसंद आती है इज़ दैट कि आपका स्किन सैग होने लगता है, धीरे धीरे सैगिंग होने लगता है, लूज हो जाएगा आपका स्किन। सो मुझे वो वैक्सीन का नहीं पसंद। बट ब्लीचिंग मैंने उतना नहीं कराया, जो जिन्हें ब्लीचिंग अच्छा लगता है वो करे, जिन्हें वैक्सीन अच्छा लगता है वो करे, जिससे जो पसंद है वो करे। ये वीडियो आपकी चॉइसेस को बदलने के लिए नहीं है, सबके अपने चॉइसेस है, सबके अपने प्रेफरेंसेस है, बट आई प्रेफर डूइंग शेविंग ऑन माई फेस। सो अगर आपको आगे का देखना है वीडियो कि मैं कैसे शेव कर रही हूँ अपना फेस, सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। सो लेट्स बिगिन, बहुत टाइम पास हो गया। चलो चलो, दूसरी बात, फेस शेव करने से पहले अपना फेस को कम्प्लीटली क्लीन कर लीजिए। सो ये जो मेकअप है जो भी, मैं इसे तुरंत वॉश करके आऊँगी एंड फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना फेस कैसा शेव कर रही हूँ। बाय। हेलो, सो मैंने अपना फेस अभी क्लीन कर लिया है, बस मैं अपने आई लाइनर्स रहने दी हूँ बाकी, ताकि मैंने पूरे अपने फेस को क्लीन कर लिया है। सो जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो ये है, इसे मैंने अमेजोन से मंगाया है। ये 3 ब्लेड का पैक था, आई गॉट इट फॉर ₹199। ये अमेजोन में अवेलेबल है, आप मंगा सकते हो। सो जिनके स्किन ड्राई है, अगर वो डायरेक्टली ब्लेड से अगर कट करते हैं तो उनका स्किन और ड्राई हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो कट कर रहा है तो थोड़ा सा ड्राई हो ही जाता है अगर ड्राई नहीं हुई है। सो बट आई प्रेफर कि मैं फेस पे पहले ऑयल लगाऊँ, देन मैं शेव करूँ। सो आई एम यूजिंग दिस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, एप्रिकॉट कैनल फ्रॉम नायका। सो मैं ये ऑयल यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे एंड देन मैं फेस को मैं शेव करूँ। ऑयल लगाने से क्या होगा कि वो थोड़ा स्मूथली हो जाएगा। थोड़ा सा और ऑयल लगेगा। एंड मेक श्योर कि जब भी आप फेस शेव करो उसके बाद बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाओ, क्योंकि स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं है। सो कौन सा शेड लूं, लेट्स गो फॉर दिस पर्पल वन। ये ऐसा दिखता है, ये रहा ब्लेड। होप आपको वीडियो में सफल हो। सो पहले मैं ये साइड का करूँगी। देखो मुझे यहाँ पे पहले पिंपल्स आए थे, सो मैं थोड़ा ये एरिया अवॉइड करूँगी। ये देखिए इतने सारे बाल, मुझे भी नहीं दिखे थे, इतने सारे आ गए। हमेशा जिस डायरेक्शन पे आपका हेयर है उसी डायरेक्शन पे आप शेव करें, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं। ये साइड का आपको ज्यादा विजिबल होगा। देख रहे हैं,
जब भी आप कर रहे हो फेस, अपना फेस को थोड़ा टाइट रखें लाइक दिस। मेरे छोटे छोटे मूंछ उड़ाओ, मेरे मूंछ ये जैसे यहाँ के हेयर ऐसे ग्रो होते हैं, तो आप ऐसे मत करिएगा, ऐसे ही करिएगा। सो अब मैं चिन को शेप करूंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर फोरहेड। देख रहा कितना डिफरेंस दिख रहा है, ये कितना क्लियर दिख रहा है, ये पोर्शन एंड ये पोर्शन डार्क दिख रहा है। स्लोली स्लोली टेक योर टाइम। इधर में देखिए, मुझे तो बेबी हेयर्स है, तो मैं इन्हें कुछ नहीं करने वाली हूँ, जस्ट तो अब सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट आ रहा है, दैट इज आईब्रो। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मिरर बहुत दूर में है। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नीचे थोड़े से जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा एकदम डिफाइन देने की कोशिश ना करें, फर्स्ट टाइम करें, इनकेस ज़्यादा कट गया या फिर कट हो गया, सो वो सब अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करिए एंड प्लीज़ टेक योर टाइम। So that's all. This is the way how I do shaving on my face. Hope ये video आपके लिए helpful रहा हो and आपको knowledge भी मिला हो जो मैं first half में share की थी, जो differences and all. And अगर आपको ये video पसंद आया हो then do not forget to like, comment and share and do subscribe to my channel YouTube and follow me on Instagram. Thank you for watching.